सीओ कैंट सुमित शुक्ला के नेतृत्व में गठित टीम थाना खोराबार और थाना रामगढ़ ताल की संयुक्त पुलिस टीम को 15,000 रुपए के इनामी घोषित गैंगस्टर के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान रूपेश साहनी पुत्र बबलू साहनी निवासी ग्राम बगही थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना खोराबार नासिर हुसैन, प्रभारी निरीक्षक थाना रामगढ़ताल सत्य सान्याल शर्मा, उप निरीक्षक जयप्रकाश सिंह यादव, हेड कांस्टेबल अबरार खान, संजय सिंह, रामकिशन यादव, कांस्टेबल प्रवीण कुमार और मिथुन कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, ये एक व्यक्ति है रूपेश साहनी, जिन पर खोराबार में ये हाईवे पर लूट करते हैं, जिससे संबंध में खोराबार पेंट पर दो मुकदमे पंजीकृत थे, जिसके संदर्भ में पर गैंगस्टर बनाया गया था। उस समय ये गैंगस्टर में लूट में जेल गए, लेकिन जब तक गैंगस्टर पर कायम हुआ तब ये बाहर हो गए थे और तब से लगातार फरार चल रहे थे। आज इंस्पेक्टर खोराबार की टीम के द्वारा उनकी टीम के द्वारा सूचना मिली, जिसके संदर्भ में आज ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। क्योंकि ये गैंगस्टर के वांछित थे तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी इन पर पूर्व में घोषित किया जा चुका था। आज ये एक अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किए गए हैं और जेल भेजे जा रहे हैं। ये अभी तक दो मुकदमे जिसमें गैंगस्टर बना था, तो गैंग चार्ट में दो मुकदमे थे। ये हमारा जो हाईवे है इसी पे लूटपाट की घटनाएं कारित करते हैं। खुद स्वीकार रहे कि इनका एक दोस्त है, उसके साथ अक्सर ये जो लोग रोड पर निकलते हैं उनसे छिनती जैसी घटनाएँ करते थे। एक साथी लुटेरे हैं जो हाईवे की घटनाओं का अंजाम देते हैं। अब दो अभियोग तो खोराबार में पंजीकृत हैं, बाकी पता करते हैं। अभी इस समय तो बीच में कोई घटना प्रकाश में नहीं आई, पुलिस लगातार इनके पीछे दबिश दे रही थी तो इधर उधर भाग रहे थे। आज सूचना जैसे मिली वैसे ही गिरफ्तार, लेकिन जिस जो इनकी गतिविधि थी वो निश्चित रूप से यही थी कि कहीं ना कहीं घटना दोबारा कारित करते हैं। कुछ नहीं करते, बेसिकली सब ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, खेती किसानी करते हैं और इस तरह की घटनाएँ ही मुख्य रूप से करते हैं।